आप ज्ञान सारथी पे अपना पंजीकरण कैसे कराएं उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञानसारथी.org/home/ टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही गए इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ दिखेगा डोंट हैव एन अकाउंट। इसका मतलब आपका अभी तक यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना पंजीकरण कराना होगा, मतलब रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। अभी फिलहाल मैं कैंडिडेट का बताती हूँ, जो एडल्ट कैंडिडेट्स हैं वो खुद ही अपना पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही कैंडिडेट पे क्लिक किया है ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब इस फॉर्म में जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारी आपको फिल करनी है, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे अपलोड रेज्यूमे का ऑप्शन ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने बताया कि स्किल के स्टूडेंट, जो एडल्ट स्टूडेंट्स है, 18 ईयर्स अबव स्टूडेंट्स है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस पे। तो इसके लिए आपको यहाँ से फाइल चूज करनी है, जो भी आपका रेज्यूमे होगा फाइल चूज करनी है और अपलोड कर देना है। फिर आपको स्किल प्रोग्राम में जाना है या नाई के प्रोग्राम में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे अपना इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ये क्लिक किया उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, जीमेल पे भी हो सकती है, याहू पे भी हो सकती है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। मेक श्योर करना है जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो यूज में हो। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कर देना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री होगी वो कंट्री सेलेक्ट करके आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आप नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो स्मॉल बॉक्स है, चेक बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ ईयर वाले पे क्लिक करेंगे, आपको ईयर्स दिख जाएंगे कौन से साल में आपका बर्थ था, उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करके मंथ भी चूज कर सकते हैं, ईयर भी चूज कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी लिखनी है, अगर किसी ने आपको रेफर किया तो उसकी ईमेल आईडी लिखनी है। और यहाँ पे पंजीकरण कराने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। जैसे ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इसमें आपको आपकी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, 10th पास है। स्किल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होती है, तो आप 10th पास है, बिलो 10th है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर चूज करना है, मेल लिखना है या फीमेल लिखना है, अदर, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डिसेबिलिटी है उस टाइप पे यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, तो कोई भी एक डिसेबिलिटी पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने डिसेबिलिटी पे सेलेक्ट किया आपने यहाँ देखा कि एक और बॉक्स ओपन हो गया है। नाउ इस बॉक्स के अंदर आपको परसेंटेज लिखनी है, जो भी आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे परसेंटेज लिखी होगी, डिसेबिलिटी परसेंटेज लिखी होगी, वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद सेलेक्ट की आपकी जो यहाँ आपको सेलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको ज्ञान सारथी के बारे में किस तरीके से पता चला, किस माध्यम से पता चला, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर लुकिंग फॉर रिक्वायर्ड, नाउ आपको सार्थक में एंटर करने के बाद आपको तीनों ऐप मिलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। किसी एक पे करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, जो आपने ईमेल आईडी लिखी होगी ऊपर यहाँ पर, जो भी ईमेल आईडी आपने लिखी होगी, इसी सेम ईमेल आईडी पे आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं
और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी प्रोबेबली आपके पास 2-4 दिन के बाद सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट से एक कॉल भी आ जाएगा ताकि आपका पंजीकरण अच्छे से हो जाए। तो ये है हमारा कैंडिडेट को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे कैंडिडेट अपना पंजीकरण खुद से कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर।